बामूरकला पुलिस ने मात्र 72 घंटे में अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश। नवयुवक के दोस्त ही निकले उसके हत्यारे। आपसी रंजिश की वजह से दो दोस्तों ने मिलकर की अपने तीसरे दोस्त की हत्या। खनिया थाना बामूरकला क्षेत्र में राजघाट नहर के पास 3 दिन पहले एक नवयुवक की लाश मिली। बामूरकला पुलिस के लिए ये सर दर्द बन गई थी, जहां एक और मृतक युवक के परिवार जन इस हत्या को लेकर पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे थे, तो दूसरी ओर बामूरकला थाना प्रभारी नीरज राणा जल्द से जल्द इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी टीम के साथ अपने मुखबिरों की मदद से मात्र 72 घंटे में इस हत्याकांड का पर्दाफाश थाना प्रभारी के द्वारा कर दिया गया। बामूर निवासी दो नवयुवकों ने इस हत्याकांड का अभियुक्त पाया गया है। गौरतलब है कि दोनों नवयुवक मृतक के दोस्त हैं और पुरानी रंजिश की वजह से दोनों ने मिलकर अपने दोस्त की बेरहमी से पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। फिलहाल बामूरकला पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराधियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। अंधे कत्ल के खुलासे के मामले में बामूरकला थाना के थाना प्रभारी नीरज राणा, उनकी टीम और टीडी शर्मा, रंगलाल मीर, प्रताप सिंह गुर्जर, गजेंद्र सिंह सोलंकी, रामनाथ रावत, शंकर महावर, शकील खान, सुनील कुमार, ओम प्रकाश राठौर, रामदीन, मोहित शर्मा आदि की सराहनीय भूमिका रही। बली सिंह यादव जी, हाँ, ब्लाइंड मदद जी, क्या पूरा क्या मामला है ये? ये इन लोगों की आरोप भरी है, इसकी मृतक की बली सिंह यादव इन लोगों से, एक छोटे राजा है उससे जिम जाते थे तो उसमें से विवाद हो गया था जिम में, और जो निखिल है सोनी उससे इसका एक बार वो अलग विवाद हो गया था, तो ये दो आपस में वैसे तो दोस्त हैं, अभी भी साथ में रहते थे सभी तीनों लोग, लेकिन ये अंदरूनी जो दोनों लोग उससे रंजिश रखते। और सर, जो इन लोगों ने, जो आपने मुलजिम पकड़े हैं, इन लोगों का क्या कहना है, इनने इतने बड़ी जो साजिश रची, ये क्यों, क्या कारण रहे हैं? बताया ना मैंने, इसीलिए कि जब इन लोगों की लड़ाई हो गई तो इसलिए।